ये क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या दे रखा है, कहता है कि P पैरेलल है क्यू के, P पैरेलल है क्यू के, समानांतर है, L पैरेलल है M के, और आपको सिद्ध करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। करते हैं प्रूफ। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है तो उसका क्या मतलब है कि ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल डला हुआ है और ये साइड जो है बीच वाला एसी वो कॉमन है। बस हमें यही यूज करना है प्रूफ। इन ट्राइंगल एबीसी एंड CDA, इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल BAC, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल DCA। ये इक्वल है क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AC इक्वल CA कॉमन है, AC इक्वल CA कॉमन, ये तो दोनों ही ट्रायंगल में है। फिर ये वाला एंगल, एंगल BCA इक्वल है किसके, एंगल DAC के। क्यों, वही सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि दो एंगल और बीच का एक साइड, ये मिल गया, हो गया कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया पूरा, इसलिए ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीडीए के। रीजन क्या लग गया, एंगल साइड एंगल प्रूफ, यही करना था। हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे।